नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 25 अगस्त 2022 सेकंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 25 अगस्त 2022 सेकंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो संकुचनशील रसधानी होता है। कौन होता है दोस्तों? तो संकुचनशील रसधानी, ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट का, ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कितने हैं दोस्तों? तो 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। जो कथन गलत है उसका पहचान करना है। कथन एक कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। बिल्कुल कथन एक जो है आपका सही है। कथन दो कह रहा है कि प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुपुष्ट परीक्षण है। बिल्कुल कथन दो भी आपका सही है। कथन तीन कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। बिल्कुल कथन तीन भी आपका सही है। कथन चार कह रहा है कि कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कथन चार जो है आपका गलत है। तो जो कथन गलत है उसको चुनना था, तो ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट में होने वाले किडवन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनौक्सी श्वसन में क्या समानता है? तो दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। क्या समानता है दोस्तों? तो दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है? तो डाक एवं तार मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। किस मामले में है दोस्तों? तो डाक एवं तार मामले में। ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। कथन ए कह रहा है कि माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है। कथन एक जो है आपका गलत है। कथन बी कह रहा है कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है। बिल्कुल कथन बी जो है आपका सही है। कथन सी कह रहा है कि माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। बिल्कुल कथन सी भी आपका सही है, यानी कि कथन बी और सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली है। किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली है। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है, तो शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब आपका आभासी, सॉरी वास्तविक और उल्टा होगा। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? तो वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्यौहार या मेले में किया जाता है? तो पुष्कर मेले में किया जाता है। किस मेले में किया जाता है दोस्तों? तो पुष्कर मेले में। ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई डैश है। तो प्रतिरोधकता की SI इकाई जो है आपको ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? ओम मीटर। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोबराइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? जो आपको सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समानांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यही कथन जो है आपका सत्य है, बाकी सब कथन असत्य हैं। तो जो सत्य है उसको चुनना था। तो ऑप्शन दो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह आपको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश पर किया गया है, तो नर्मदा नदी पर किया गया है। किस पर किया गया है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सम जातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे। कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो दो। ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? तो पशु आहार पर बहुत अधिक शामिल नहीं होती है। किस पर दोस्तों? पशु आहार पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों? तो मैसूर में। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ने हिंदू धर्म के
पुनरुद्वार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। तो स्वामी विवेकानंद ने निभाई, किसने निभाई दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल के खेल से है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है, तो ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य मानसून वर्षा के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं, तो जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंच जाती हैं। कब पहुंच जाती हैं दोस्तों, तो जुलाई के पहले सप्ताह में। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो एक में कह रहा है कि धारा का परिणाम बदलना नहीं, इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दो में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना, इस विधि का भी आपको उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीन में कह रहा है कि धारा की दिशा बदलना, बिल्कुल इस विधि का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि केवल तीन आपका सही है, तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, तो राल होता है। कौन होता है दोस्तों, राल। ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है, नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको घटेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो घटेगा। ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा।